हम लोग आज यहाँ पर सब लोग हाजिर हुए हैं कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने के लिए। दिनांक 26/8/2024 को जिस दिन मुहर्रम के बाद जो चहलुम होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम था, तो जयपुर के अंदर जो है बहुत शांतिप्रिय तरीके से वो जुलूस निकाला जा रहा था जो हर साल निकलता है, और उस जुलूस को प्रशासन के द्वारा परमिशन मिली हुई है। परमिशन आज की नहीं है, परमिशन बहुत पहले की है। रूट पूरा तय है और वहाँ पर उस जुलूस में जो है पूरा पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। लेकिन इस बार जो है हवा महल जयपुर के जो MLA साहब हैं बालमुकन आचार्य जी, उन्होंने आकर वहाँ पर विक्टन डालने की कोशिश करी। वहाँ पर जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनसे बदतमीजी की, गाली गलौज करी, जैसा कि हमें सोशल मीडिया वगैरह से और वहाँ के लोगों से पता लगा है। इस तरह से उन्होंने की जो ये उनका कृत्य है, एक इतने ऊँचे पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए शोभा नहीं देता है। इस तरह से माहौल भी ख़राब हो सकता था वहाँ पर। और जब परमिशन मिली हुई है तो और शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनको मुहर्रम के दिन में जो है मुहर्रम की 10 तारीख को इराक के जो शासक था यजीद नामक शासक ने उनको बड़ी बेरहमी से 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया था, उन्हीं की याद के अंदर जो है पूरा मुस्लिम समुदाय जो है ये पूरे शोक के साथ पूरे गमगीन तरीके से ये माहौल के अंदर जो है गमगीन माहौल के अंदर अपने जुलूस निकालते हैं। हम लोग आज यहाँ पर सब लोग हाजिर हुए हैं कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने के लिए। दिनांक 26/8/2024 को जिस दिन मुहर्रम के बाद जो चहलुम होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम था, तो जयपुर के अंदर जो है बहुत शांतिप्रिय तरीके से वो जुलूस निकाला जा रहा था जो हर साल निकलता है, और उस जुलूस को प्रशासन के द्वारा परमिशन मिली हुई है। परमिशन आज की नहीं है, परमिशन बहुत पहले की है। रूट पूरा तय है और वहाँ पर उस जुलूस में जो है पूरा पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। लेकिन इस बार जो है हवा महल जयपुर के जो MLA साहब हैं बालमुकन आचार्य जी, उन्होंने आकर वहाँ पर विक्टन डालने की कोशिश करी। वहाँ पर जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनसे बदतमीजी की, गाली गलौज करी, जैसा कि हमें सोशल मीडिया वगैरह से और वहाँ के लोगों से पता लगा है। इस तरह से उन्होंने की जो ये उनका कृत्य है, एक इतने ऊँचे पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए शोभा नहीं देता है। इस तरह से माहौल भी ख़राब हो सकता था वहाँ पर। और जब परमिशन मिली हुई है तो और शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनको मुहर्रम के दिन में जो है मुहर्रम की 10 तारीख को इराक के जो शासक था यजीद नामक शासक ने उनको बड़ी बेरहमी से 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया था, उन्हीं की याद के अंदर जो है पूरा मुस्लिम समुदाय जो है ये पूरे शोक के साथ पूरे गमगीन तरीके से ये माहौल के अंदर जो है गमगीन माहौल के अंदर अपने जुलूस निकालते हैं, जिसमें आगे विघटन देना ये एक बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। और इससे माहौल ख़राब हो सकता था वहाँ पर, लेकिन वहाँ जो बुज़ुर्ग वगैरह थे जो थे उन्होंने माहौल को कंट्रोल किया, वो माहौल को ख़राब नहीं होने दिया। हमने आज जो है कलेक्टर मैडम के माध्यम से महामहिम परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, ताकि उनको जो है उनके आगे ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, उन पर इस तरह से रोक लगाई जाए।